हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो यहाँ पर मेरी सारी पूजा हो गई है, तसल्ली से बैठी थी तो सोचा आप लोगों से बात ही करती हूँ। और आजकल का रूटीन ऐसा हो गया है कि एक एग्जैक्ट कहते नहीं है कि कभी ना कभी तो कुछ चेंजेस हो जाते हैं नॉर्मल लाइफ में, बट व्रत के टाइम मतलब ऐसे रूटीन चल रहा है जैसे मतलब वक्त थम सा गया है, ज़िंदगी थम गई है। इतने से इतने बजे तक इतना, इतने से इतने बजे, मतलब इतना सटीक रूटीन तो शायद ही कभी चला हो। और नवरात्रों में ऐसा ही हो जाता है हर बार, ऑलमोस्ट कि एकदम सटीक रूटीन हो जाता है। किस किस के साथ ऐसा होता है बताना। वैसे नॉर्मल डेज होता है हम कुछ आलस कर जाते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया या कहीं बाहर चले गए घूमने फिरने, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। अभी ना मैंने बाल खोल लिए हैं, गीले हैं, अभी भी सूखे नहीं है, थोड़े से जूड़ा सा लगा लेती हूँ तो अंदर अंदर गीले गीले रह जाते हैं। आज बेटू की छुट्टी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, एक्चुअली उसके हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं तो उसके एक दिन छुट्टी रहती है और एक दिन एग्जाम रहता है। आज छुट्टी है, फिर कल उसका, यानी कि आज डेट है 29 तारीख और दिन है थर्सडे और कल है 30 तारीख, महीने का लास्ट दिन है सेप्टेम्बर का 2022, और वो कल जाएगी और उसका लास्ट पेपर है। एक्चुअली ये पेपर हो चुका होता बट बीच में जो डीएम ने छुट्टियां नहीं अनाउंस कर दी थी सडनली, उस दिन उसका पेपर था और उस दिन डीएम ने ऑर्डर दे दिए थे कि कोई स्कूल खुलेगा नहीं, तो वो वाला जो पेपर है वो 30th को है, कल है, तो इस वजह से अब वो कल एग्ज़ाम देने जाएगी, फिर उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसकी छुट्टियाँ हो जाएंगी। और बहुत अच्छा लग रहा है सच में, पूजा पाठ में सारा दिन ऐसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता है, और सब कुछ एक सा चल रहा है, इतने दिनों से एक सा चल रहा है, अभी थोड़े दिन और एक सा चलेगा, एक सा इन द सेंस एक जैसा रूटीन। और ऐसे लगता है घर में एकदम मंदिर मंदिर वाली फीलिंग आने लगती, इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना अच्छा माहौल हो जाता है, पॉजिटिव से भरा कि आप पूछो ही मत। सारा दिन सुबह से लेकर रात तक और आँख खुलती उठती है ऐसे लगता है किसी मंदिर में हूँ, ऐसी वाली फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। और जब घर में एकदम प्रॉपर पाठ पूजा वगैरह होती है तब तो और ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे क्या है, मॉर्निंग में हम लोग अपनी जो भी नॉर्मल है कर लेते हैं, और सच बताऊँ एक बार मामा को देख के तो लगता है सबसे बड़ी पापी मैं हूँ, मतलब इतनी पूजा की जाती है, इतनी प्रॉपर पूजा होती है, और मतलब क्या ही बोलूँ, ऐसी वाली फीलिंग आती है, मैं तो फिर बहुत पापी हूँ, मैं तो इतनी पूजा करती नहीं हूँ, बट चलो कोई बात नहीं, जिसको जितना आता है वो उतना उस तरीके से करता है, तो बस यही है। तो अभी बस थोड़ा सा बैठी थी, मैंने कहा आज आप लोगों से बात करती हूँ, कुछ दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था और पूरा दिन ऐसे ही बस माता को निहारती रहती हूँ, चलते फिरते देखती रहती हूँ, उनसे थोड़ी बहुत बात भी कर लेती हूँ। और क्योंकि ये 9 दिन कहते हैं ऐसे होते हैं कि माता रानी हमारे घर आती हैं, विराजती हैं, तो कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करना। व्लॉग वीडियो तो चलते रहेंगे और थोड़ा सा यू नो, कुछ चीज़ें हैं हम समझा नहीं सकते हैं अपने, मतलब बोल करके नहीं समझा, वो फीलिंग समझने वाले ही समझ सकते हैं, तो जो लोग इस तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। येलो कलर का पहना है और आप लोगों के कमेंट्स देखिए, पता है क्या होता है, मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स रीड करूँगी, फिर जैसे कैमरे से ब्लॉगिंग करती थी मोबाइल मेरा फ्री रहता था तो अच्छे से आप लोगों के कमेंट्स रीड कर लेती थी, अभी फिर से मैंने सोचा था कि आप लोगों के कमेंट्स रीड करूँगी, फिर मेरे माइंड में तो आया ही नहीं कि कैसे कमेंट रीड करूँगी मैं, या तो फिर मैं लैपटॉप खोल करके बैठूं, है ना, तो फिर मैं करूं तो लैपटॉप खोलना थोड़ा सा झंझट सा लगता है मुझे, मोबाइल से ही ठीक लगता है, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगी या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह वो लगा दिया करूं, क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जो दिल को छू जाते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए दिल से थैंक यू, आप मुझे इतना प्यार करते हो, इतना मतलब मुझे ब्लेसिंग्स देते हो और सजेशंस देते हो बहुत सारी चीज़ें। और चलते हैं बाहर, देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि आजकल तो कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो माता रानी को भोग लगाते हैं, मार्केट से फल लाते हैं, मिठाई लाते हैं, बट डेली एक भोग घर का बना हुआ ज़रूर लगाते हैं माता रानी को, तो इस वजह से आज बना रही हूँ मैं साबूदाना की खीर माता रानी के लिए। तो उसके लिए मैंने लिया है बारीक वाला साबूदाना, एकदम जो बारीक होता है, बहुत छोटे छोटे इसके दाने होते हैं वो वाला है, और एक बड़े साइज़ का आता है साबूदाना, तो उसकी जो खीर है ना वो उतनी टेस्टी नहीं बनती है, पर्सनली मुझे ऐसे लगता है इसकी खीर बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। खीर बनाना बहुत आसान है, बट फिर भी मैंने एक आइडिया देने के लिए, शायद किसी को नहीं आता हो तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्योर दूध लिया है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाया है, और खीर में नॉर्मली हम लोग पानी कभी शायद मिलाते ही नहीं, कभी नहीं मिलाते हैं, थोड़ा बहुत भले ही मिला है एक आधा कप, अदरवाइज़ इसमें वो भी नहीं है। और अच्छे से बॉयल कर लिया है इस दूध को, आप देख सकते हैं कि एक बॉयल आ गया है, उसके बाद गैस को एकदम धीमा कर लेंगे
और जो भी ये बारीक वाला साबूदाना है इसको भिगोया। हाँ मैं बता दूँ, इसको मैंने 3 से 4 घंटे भिगो करके रखा था, तो ये फूल करके अच्छा हो गया है। मतलब हो सकता है आपको देखने में लगे कि ये कच्चा रह गया है, बट आप कंफ्यूज मत होना, ये फूल जाता है अच्छे से, क्योंकि अभी खीर में भी ये साथ में पकेगा ना, इस वजह से। तो आप देख सकते हैं मैंने सारा जो साबूदाना है वो इसमें डाल दिया है। अब इसको 5 से 10 मिनट अच्छे से बॉयल होने दूंगी। तो जब तक ये 5 से 10 मिनट बॉयल होगा, एकदम मतलब जो फ्लेम है उसको स्लो ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, और ध्यान रहे बीच बीच में चलाते ज़रूर रहे, ताकि जो खीर है वो तरी में चिपक ना जाए, और हल्की सी भी अगर लग जाएगी ना तो जो बहुत गंदी वाली स्मेल आती, चाहे कोई भी खीर आप बनाए, चावलों में भी ये ध्यान देना पड़ता है। तो इसको बीच बीच में चलाते रहें, और जब तक ये बॉयल होगी तब तक मैं जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो काट लूँगी। अब ड्राई फ्रूट्स का ऐसा क्या है कि जो भी आपका मनपसंद हो, जैसे मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खाती हूँ, लाइक किशमिश वगैरह मुझे अच्छी नहीं लगती, छुआरे अच्छे नहीं लगते हैं इसमें, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें डालूंगी थोड़े से बादाम कट करके, और चिरौंजी, और थोड़ा सा गरी यानी नारियल। तो बस 3 चीज़ें ही मैं डालूंगी, अदरवाइज़ आप काजू, बादाम, किशमिश, मखाने, जो मन है आप डाल सकते हो इसमें। तो यहाँ पर मेरे जो, और ना मैं जो नारियल यूज़ कर रही हूँ वो कद्दूकस किया हुआ, जो मार्केट का पैकेट मिलता है, मैं वो वाला यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप नॉर्मल भी कट करके भी डाल सकते हो, और कद्दूकस भी करके डाल सकते हो। और मखाने मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, बट थोड़े से मैं इसमें डालूंगी, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाले हैं, क्योंकि फिर वो मखानों का ही टेस्ट आएगा इस वजह से। तो बिल्कुल थोड़े से आप देख सकते हैं मैंने काट करके डाल दिए, और यहाँ पर खीर भी बॉयल हो गई, हल्की सी थिक हो गई, आपको पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं मखाने डाल दिए, अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल दूंगी, और बस जो खीर है वो बन करके रेडी हो जाएगी। तो बहुत इजी है, देखिए बन करके रेडी भी हो गई, अब मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी। तो शाम के टाइम में मैंने आरती कर ली थी अपनी, और अब मैं नन्नू के लिए बनाने जा रही हूँ माइक्रोनी। यही होता है ना, माँ का व्रत होता है, बट बच्चों के लिए तो हर माँ को करना ही पड़ता है। और इधर थोड़ा सा आलू का हलवा, आज दिन में आलू का हलवा बनाया था, मीठा मेवा वगैरह डाल करके, और आरती मैंने कर दी थी। नीचे भी दिया जल रहा है, नीचे भी दिया जल रहा है, ऊपर भी दिया जल रहा है। ये देखिए नन्नू को मेरी और आज सामने वाले मकान की लाइट जल गई है, पहली बार जली है, कनेक्शन हो रहा होगा ना बिजली का, तो थोड़ा सा रौनक हो जाता है, नॉर्मल सी बात है, दिया बाती लाइट से इन सबसे रौनक सी आ जाती है। अभी तो ऐसे अजीब सा मकान लगता था, बट आज अच्छा लग रहा है, लग रहा है हाँ घर घर सा है। तो एक ये नया काम हो गया है ना मैं, अच्छा लग रहा है ना सामने, और मम्मी रात की रानी बनी बैठी हैं। अंधेरा एक्चुअली इसलिए करके रखते हैं क्योंकि एकदम खिड़की के पर्दे लगाने का मन नहीं करता है, लगा लो तो बड़ा बंद बंद सा लगता है, खुला रहता है तो आने जाने वालों की सबकी नज़र पड़ती है, तो थोड़ा सा लाइट बंद करके शाम के टाइम रहते हैं। नन्नू को खाना है, क्या खाना है, बनाना, बनाना है तो बनाओ फिर, खा क्यों रही हो क्यों तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने फटाफट से बनाई है ये कुट्टू के आटे की पकौड़ी, जो कि आप देख सकते हैं अभी सिक रही है, कुछ नहीं किया है, बहुत जल्दबाजी में बनाई थी तो मैंने कहा चलो बता देती हूँ। तो इसमें जो आलू है उसको अच्छे से धुल करके छील करके कद्दूकस कर लिया है, और इसमें मिलाया है कुट्टू का आटा, आप चाहो तो सिंघाड़े का आटा भी मिला सकते हो, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, और थोड़ा सा ऊपर से हरे धनिया और हरी मिर्च मिलाई जिसकी वजह से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और ये रखा हमारा व्रत वाला नमक, और बस इस तरीके से पकौड़ियाँ बना ली हैं। यहाँ पर ये बहुत ही सुपर इजी, और ऐसा कुछ मतलब रेसिपी के लिए शेयर करने वाला था भी नहीं कि बहुत बड़ी रेसिपी हो, तो मैंने सोचा आपको शॉर्ट में बता दूंगी। तो इस तरीके से इसको अब डीप फ्राई कर लेना है, तो बहुत टेस्टी लगती है, फटाफट से बन भी जाती है व्रत में खाने के लिए। पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे सिंघाड़े का आटा बहुत पसंद है,
और किस किस को सिंघाड़े का पसंद है, किस किस को कुट्टू का पसंद है, मुझे कमेंट कर दो। जैसे एक होती है ना पसंद, मतलब खा तो लेती हूँ बट एक पसंद वाली जो बात होती है वो ये है कि मुझे सिंघाड़े का आटा पसंद है। और किसको ये कुट्टू वाला आटा पसंद है मेरे साथ कमेंट करना। तो ऐसी पकौड़ियाँ बना सकते हो, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, कद्दूकस करके फटाफट से, थिकनेस इतनी रखनी है, कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं पकौड़ी बन करके रेडी हो गई और मैंने इसको इस तरीके से दही और चटनी के साथ सर्व किया है। तो चटनी में कुछ नहीं है, सिर्फ टमाटर है, सेंधा नमक है और हरी मिर्च है, दैट्स इट। और ये रहा दही, और इसके साथ ऐसे सर्व करेंगे, खाने में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और पूजा की वजह से हाथ में ये तिलक लगा हुआ है। और चलिए फटाफट से खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, और आप लोग भी यहाँ से टेस्ट करके बताओ कि कैसी बनी है। और इस तरीके से बना करके ट्राई करना अगर किसी ने नहीं की है तो। मैं अंदर आई थोड़ी देर बाद, देखा नन्नू मेरी सो चुकी हैं। नन्नी का मॉर्निंग में एग्जाम है भैया का। गर्दन बहुत ऊपर रखे हो सोना बाबू, रुको सही करती हूँ मैं। छो जा। आज मेरी नन्नू ने जिद करके अपना ये, इनको ध्यान आ गया जो इनके लिए परचेज़ किया था यूनिकॉर्न वाला कप। तो ये जिस शॉप से लिया था वो जिनकी शॉप थी वो भी मेरी सब्सक्राइबर ही निकली इत्तेफाक से। तो ये देखिए मैंने लिया था, मैंने आपको बताया भी था, शेयर भी किया था, कितना सुंदर लगता है ना। मैंने इसे रख दिया था, मैंने कहा बच्चे होते ना एक बार पीते फिर ख़राब कर देते, मैंने कहा कि कहीं आएंगे जाएंगे है ना सफ़र में या ऐसे करके, मैंने सोचा था दूंगी, बट अब बच्चे के लिए लिया है तो कह रही मम्मा मेरे लिए वो लिया था कहाँ गया, मतलब इतने दिनों बाद इन्हें मैडम को याद आया। और सच बताऊँ तो मैं भी भूल चुकी थी कि ये कब भी लिया था, ऐसे माइंड से स्लिप हो गया, फिर आज निकाल दिया। पर कुछ पिया नहीं इसमें अभी, मैं कभी ऐसे नहीं सोई, कभी नहीं ऐसे सोई, मुझे तो ऐसे नींद भी नहीं आई। और ये ऐसे ही चितपट हो करके सोती है लड़की, तन इसकी क्या आदत है, ऐसी सोती है सेम। फ्रेंड्स इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी पसंद आया हो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। कैमरा कितना ज़्यादा गंदा था, फिंगरप्रिंट्स लगे हुए थे। तो चलिए फिलहाल तो व्रत के दिन चल रहे हैं, और मुझे ना आप लोगों से कुछ बात शेयर करनी है, बट वो तसल्ली से मैं करूँगी, और उसमें मुझे काफ़ी सारे लोगों को जवाब भी देने हैं जिन्होंने बहुत प्यार से और बहुत रिस्पेक्ट से बोला है, उनकी मैं यहाँ पर बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों को मुझे कुछ आंसर करना है, जो कि क्योंकि काफ़ी दिन कुछ सुनते रहो तो ठीक नहीं होता है, बट हाँ मैं उन इतना ज़रूर बोलूँगी कि कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है जैसे मेरी मम्मी का रेंट वो भरते हैं, मेरी मम्मी और मैं उनके घर जाते हैं हाथ जोड़ करके हर महीने कि प्लीज़ हमारे रेंट का टाइम हो गया है अब आप लोग भर दो, जैसे उनसे हम मांगने जाते हैं रेंट, इतनी ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ हो रही है। और ऐसी ऐसी बातें हैं, वो सारा कुछ मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो व्रत है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। हर एक चीज़ की लिमिट होती है, आप कब तक कोई एक चीज़ मतलब सुनते रहोगे। तो कुछ लोग होते हैं मतलब एक कमेंट करके उनका जीनी भरता है, दो कमेंट करके भी जीनी भरता, 8-10 कमेंट मतलब लगातार जब तक वो लोग कर नहीं लेते हैं तब तक उन्हें चैन ही नहीं पड़ता है, एक ही जैसे। अरे चलो कोई बात बोलनी है, एक बार बोल लो, दो बार बोल लो, तीन बार बोल लो, पता नहीं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। मेरा आप सच बताऊं तो ऐसी बातों से मूड बिल्कुल स्पॉइल नहीं होता है, बट सामने वाले को लगता है कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, अब मैं सर माथा पीट रही होंगी, हाय मैं कितनी दुखी हो रही होंगी, हाय मैं कितनी परेशान हो रही होंगी। बट हाँ जब मुझे लगता है कि मुझे कुछ चीज़ें शेयर करनी चाहिए, कुछ बातें शेयर करनी चाहिए, कुछ जवाब देने चाहिए कुछ बातों के जिनके दिए जा सकते हैं, तो मैं तब कर देती हूँ बात। बाकी तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जवाब के भी काबिल नहीं होती, उनका मैं जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझती हूँ, अब तो बिल्कुल भी नहीं समझती हूँ। मैंने जो बोला ना कि मैं अब तो बिल्कुल ज़रूरी, वो मैं इसलिए बोली क्योंकि इंसान की टाइम के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, बहुत सारे उसके चेंजेस आते हैं, ओनली फिजिकली नहीं मेंटली भी, थिंकिंग में भी चेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो चीज़ 1 साल पहले थी 2 साल पहले थी वो आज नहीं है, और शायद जो चीज़ आज है फिज़िकली भी मेंटली भी इमोशनली भी थिंकिंग से भी जो चीज़ आज है वो शायद 1-2 साल बाद ना रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए करते हैं इस वाले ब्लॉग को एंड, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय क्यूट सा यूनिकॉर्न, बाय विद रेनबो।
बाय बाय।